Hello everyone, welcome to my YouTube channel Paris Learning. In today's video, we are going to discuss the difference between entailment and presupposition. So let's proceed. सबसे पहले बात करते हैं कि प्रीसपोजिशन होता क्या है. प्रीसपोजिशन का मतलब होता है कि आप कोई प्रायर अजम्पशन बना रहे हैं. इसके नाम से पता लग रहा है कि आपने प्री पहले से ही कोई अजम्पशन जो है, कोई सपोजिशन जो है वो आपने बनाई है. इंटेलमेंट का मतलब होता है कि गिवन जो आपके पास इंफॉर्मेशन है उससे कुछ ना कुछ नतीजा निकालना, कुछ ना कुछ इन्फर समथिंग फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन. ठीक है, जब हम प्रीसपोजिशन की बात करते हैं, द स्पीकर अज्यूम्स टू बी द केस प्रायर टू मेकिंग एन अट्रेंस. आप ये कह सकते हैं कि स्पीकर्स प्रायर अजम्पशंस अबाउट एन अट्रेंस, उसकी जो प्रायर अजम्पशन है अट्रेंस बिफोर मेकिंग एन अट्रेंस, उसको हम कहते हैं प्रीसपोजिशन. जब आप इंटेलमेंट की बात करते हैं तो हम कहते हैं समथिंग लॉजिकली फॉलोज फ्रॉम व्हाट इज असर्टेड इन अट्रेंस. आप उसमें से लॉजिकली आप फॉलो करते हैं व्हाट इज असर्टेड, जो कि सर्टन है अट्रेंस के अंदर. ठीक है, स्पीकर्स नॉट सेंटेंसेज हैव इट. हम इसमें सेंटेंसेज को नहीं देखते, हम देखते हैं कि स्पीकर क्या अज्यूम करे, स्पीकर की क्या इंटरप्रिटेशंस हैं. ठीक है, लेकिन जब हम इंटेलमेंट की बात करते हैं तो देन हम सेंटेंसेस पर फोकस करते हैं कि सेंटेंसेस से हमें क्या पता लग रहा है. हम सेंटेंसेस से ही जो है वो कुछ ना कुछ इन्फर करते हैं, ना कि स्पीकर क्या अज्यूम कर रहा है और ना कि हम स्पीकर की बात करते हैं. ठीक है, मोर स्पीकर डिपेंडेंट नोशन है. जब हम प्रीसपोजिशन की बात करते हैं तो ये हमारे पास स्पीकर डिपेंडेंट होती है, लेकिन जब हम इंटेलमेंट की बात करते हैं तो हम लोग नेचुरली लॉजिक और लेस डिस्कस होते हैं. मतलब हम लोग जो है वो स्पीकर डिपेंडेंट नहीं होते, जो हमारे पास गिवन इन्फॉर्मेशन होती है हम उसको जो है वो लॉजिकली, उसमें से इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, उसको लॉजिकली जो है वो ऑब्जर्व करते हैं. ठीक है, इट इज़ प्योरली प्रैग्मेटिक कॉन्सेप्ट. जब हम लोग प्रीसपोजिशन की बात करते हैं तो ये हमारे पास प्योरली प्रैग्मेटिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन जब हम इंटेलमेंट की बात करते हैं इट इज़ नॉट प्योरली प्रैग्मेटिक कॉन्सेप्ट एंड इट इज़ मोर रिलेटेड टू सिमेंटिक्स. ठीक है, प्रीसपोजिशंस आर टिपिकली प्रिजर्व्ड अंडर निगेशंस. मतलब ये है कि अगर जो निगेशन है वो निगेशन आ जाए तो प्रीसपोजिशन का जो आइडिया है वो हमारे पास जो है वो ख़त्म नहीं होता, वो सेम ही रहता है. इट डजंट चेंज प्रीसपोजिशंस. फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि अली डज नॉट हैव द रेड कार. इसमें प्रीसपोज किया जा रहा है कि अली हैज़ द कार. ठीक है, ये हम प्रीसपोज कर रहे हैं, लेकिन ये फैक्ट है कि नहीं ये हमें नहीं पता, ये हमारी हम सपोज करें, क्योंकि अगर उसके पास रेड कार नहीं है उसका मतलब ये है कि उसके पास कार है. ये हमारी अजम्पशन है उसके बारे में, प्रायर अजम्पशन है हमारी. लेकिन जब हम इंटेलमेंट में आते हैं तो इंटेलमेंट्स आर नॉट टिपिकली प्रिजर्व्ड अंडर निगेशन. मतलब ये कि जब निगेशन आ जाती है तो मीनिंग जो है वो सेम नहीं रहता. फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि अली डज नॉट हैव द रेड कार. जब हम इंटेलमेंट की बात करते हैं तो हम लोग ये अज्यूम नहीं कर सकते कि अली हैज़ अ कार. अली डज नॉट हैव द रेड कार, इसका मतलब अली के पास कार नहीं है. हम हरगिज ये अज्यूम नहीं कर सकते गिवन इन्फॉर्मेशन में से कि अली हैज़ अ कार. ठीक है, सो अब हम जो है एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं, उससे हमें प्रीसपोजिशन और इंटेलमेंट के अंदर फर्क ज्यादा अच्छे तरीके से जो है पता लगेगा. मैरीज ब्रदर बॉट 3 horses. ठीक है, अब मैरी के भाई ने जो है वो 3 horses खरीदे हैं. जब हम इस स्टेटमेंट से रिलेटेड प्रीसपोजिशंस बनाते हैं तो हम कहते हैं कि मैरी एग्जिस्ट करती है, मैरी के ब्रदर्स हैं, मैरी हैज़ ओनली 1 brother है, या फिर ही हैज़ अ लॉट ऑफ मनी. ठीक है, ये हम प्रीसपोज करते हैं जब हम लोग ये स्टेटमेंट देखते हैं प्रीसपोजिशन के अंदर. लेकिन जब हम इंटेलमेंट की बात करते हैं तो इंटेलमेंट, क्योंकि हमने गिवन इन्फॉर्मेशन में से ही निकालनी होती है, हमारी इसमें जो है वो स्पीकर, ये हमारे पास सेंटेंस डिपेंडेंट होता है ना कि स्पीकर डिपेंडेंट, तो हम देखते हैं कि मैरीज ब्रदर बॉट समथिंग. हम लोग कह रहे हैं कि मैरी के भाई ने कुछ खरीदा है, ये हमारी अजम्पशन होगी. ही बॉट 3 animals, हम कह रहे हैं उसने 3 animals खरीदे हैं. हम कह सकते हैं ही बॉट 2 horses, उसने 2 horses खरीदे हैं. ही बॉट 1 horse, इसने मतलब 1 horse खरीदा है. ठीक है, सो ये हमारे पास इंटेलमेंट की होंगी, क्योंकि ये हम लोग जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसमें से जो हम लोग इन्फर कर रहे हैं हमने ये बताया. और प्रीसपोज ये होता है मोस्टली जो है वो हमारे पास स्पीकर डिपेंडेंट होता है, तो हमने इसमें कहा कि मैरी एग्जिस्ट कर रही है, मैरी का भाई है, मैरी का या एक भाई है, मैरी के पास ही हैज़ अ लॉट ऑफ मनी. ठीक है, कि मैरी के भाई के पास बहुत सी मनी है. सो ये हम प्रीसपोजिशन में इस तरह से जो है वो चीज़ों को देखते हैं. ठीक है जी, सो दिस वॉज ऑल अबाउट. थैंक यू सो मच.